भारत डेवलप कर रहा ऐसा फाइटर जेट जो होगा दुनिया के सारे फाइटर जेट का बाप। अब मिसाइल नहीं बल्कि लेजर बीम से होगा चीन और पाकिस्तान का इलाज। भारत के फ्यूचरिस्टिक लड़ाके को देख हिल जाएगी दुनिया। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक लड़ाके की जानकारी देने जा रहे हैं जो जैसे ही डेवलप होगा भारत पूरी दुनिया के फाइटर जेट टेक्नोलॉजी को फेल कर देगा, क्योंकि इसके पास जो ताकत मौजूद होगी और इसमें जिस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा वो चीन, अमेरिका, रूस और जापान की सोच से भी 100 कदम आगे की है। और इसके बारे में जानकर निश्चित तौर पर आप भी हैरान रह जाओगे। यकीन मानिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपने वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिएगा। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतवासी के लिए काफी सम्मान की बात है। तो दोस्तों, इस समय अमेरिका 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट डेवलप करने में जुटा हुआ है, जबकि दुनिया के तमाम देश 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को डेवलप करने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और भारत भी एम का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट डेवलप कर रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसे योद्धा को डेवलप करना शुरू कर दिया है जो ना तो 5वीं पीढ़ी का होगा और ना ही 6ठी पीढ़ी का, बल्कि इसमें 7वीं पीढ़ी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके पास इतनी ताकत मौजूद होगी कि ये बिल्कुल साइलेंट तरीके से चीन और पाकिस्तान को नेस्तोनाबूद कर सकता है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ये जानकारी आपको कहां से मिली। तो दोस्तों, हाल ही में DRDO द्वारा एक टेंडर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि हमें एक ऐसे विंड टर्नल मॉडल की जरूरत है जिसकी IIT कानपुर में मौजूद नेशनल टनल टेस्ट फैसिलिटी में टेस्टिंग की जाएगी और यहीं से भारत के इस फ्यूचरिस्टिक लड़ाके की जानकारी लीक हो गई। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट फूफा की। फूफा यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैंड फाइटर एयरक्राफ्ट। तमाम डिफेंस वेबसाइट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार ये भारत का पहला अनमैंड एयरक्राफ्ट होगा। ये भविष्य का ऐसा फाइटर जेट होगा जो चीन और पाकिस्तान को चैन की नींद सोने नहीं देगा। लीक हुई जानकारी के अनुसार ये प्रोजेक्ट अभी बेहद ही शुरुआती दौर में है, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी कहीं भी शेयर नहीं की गई है और ना ही इसके प्लान को लेकर कहीं ज्यादा सूचना मौजूद है। लेकिन बताया जा रहा है कि दुनिया में इस तरह के प्रोजेक्ट पर जो काम चल रहा है भारत उसे स्वदेशी तरह से पेश करके पूरी दुनिया से आगे निकलना चाहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय कई देश मानव रहित फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं ताकि मिलिट्री की ताकत को कई स्तरों पर सुधरा जा सके। जानकारों का मानना है कि यह पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से संचालित होगा। ये खुद ही दुश्मन के ठिकानों का पता लगाएगा और खुद ही उनको टारगेट करेगा। ये एक विमान से दूसरे विमान पर टारगेट सेट करेगा। इसके अलावा हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम होगा। इसका इस्तेमाल डॉग फाइट में भी किया जा सकेगा। इस एयरक्राफ्ट के पास इतनी ताकत मौजूद होगी कि ये ताकतवर मिसाइल और ड्रोन को पलक झपकते ही राख में तब्दील कर सकता है। इसे ऑनप्रेट करने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी। इस एयरक्राफ्ट में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो युद्ध के दौरान इसमें हुए डैमेज को खुद ब खुद ठीक कर देगा। यानी कि अगर कोई ड्रोन या विमान इस पर हमला करता है और इसमें कुछ भी नुकसान हो जाता है तो इसमें लगी तकनीक उस नुकसान को युद्ध के मैदान में ही ठीक कर देगी। जानकारों का मानना है कि इस 7वीं पीढ़ी के सुपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान में कोई भी मिसाइल इनबिल्ट नहीं होगी, यानी कि इसमें मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि मिसाइलों के स्थान पर लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये लेजर बीम एनर्जी से चलने वाला हथियार है जिसमें बारूद की लोडिंग नहीं की जाती है। अभी तक जितने भी फाइटर जेट तैयार किए गए हैं उन सभी में मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, फूफा के जरिए भारत चार तरह के बड़े काम कर पाएगा। पहला है स्ट्रेटेजिक ऑनफेंसिव, दूसरा है क्लोज एयर सपोर्ट, तीसरा है मिसाइल ऑनफेंसिव और चौथा है दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदना और दुश्मन की हवाई सुरक्षा को खत्म करना। आप ही अंदाजा लगाइए
कि अगर ये सारे काम एक ही फाइटर जेट कर देता है तो युद्ध के मैदान में भारत दुश्मन को किस तरह से चारों खाने चित्त कर सकता है, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर कोई अन्य देश ही क्यों ना हो। तो दोस्तों चलिए जानते हैं फूफा फाइटर जेट की कुछ प्रमुख खासियतों के बारे में, जिसे जानने के बाद चीन और अमेरिका का सर भी चकराने लगेगा। दावा किया जा रहा है कि भारत द्वारा तैयार किया जा रहा ये फाइटर जेट पूरी तरह से 7th जनरेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसे किसी भी रडार सिस्टम से डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन होगा। फूफा फाइटर जेट में ऑप्शन होगा कि आप चाहें तो इसे पायलट के बिना भी एक ड्रोन के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर इसको पायलट के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि आने वाले समय में ये फाइटर जेट एक एयरक्राफ्ट के लिए पायलट की जरूरत को ही खत्म कर देगा, जिस तरीके से किसी ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होती, ठीक उसी तरह से इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि फूफा फाइटर जेट सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी से लैस होगा। सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी तक दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान में मौजूद नहीं है, यहां तक कि अमेरिका के F-22 रैप्टर में भी नहीं। रिपोर्ट की माने तो DRDO इस तकनीक को तैयार कर रहा है, जिसका इस्तेमाल फूफा फाइटर जेट में किया जाएगा। दोस्तों सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी को ऑन्टो रिपेयर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अगर एयरक्राफ्ट युद्ध क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हो जाए, उसके किसी पार्ट में कोई खराबी आ जाए, लड़ाई के दौरान छोटा मोटा डैमेज हो जाए, तो ये एयरक्राफ्ट सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी की मदद से उस डैमेज को खुद ही रिपेयर कर लेगा और एयरक्राफ्ट को सैन्य बेस पर वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि फूफा फाइटर जेट में मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके स्थान पर लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि मिसाइलों के साथ दिक्कत ये है कि किसी लड़ाकू विमान में सीमित संख्या में मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, और जैसे ही मिसाइलें खत्म होती हैं, लड़ाकू विमान को दोबारा सैन्य बेस पर वापस लौटना पड़ता है मिसाइलों को लोड करवाने के लिए। लेकिन लेजर हथियारों के साथ ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लेजर हथियार बिजली से चलते हैं, यानी कि लेजर हथियारों के माध्यम से कितने भी हमले किए जा सकते हैं और उनके साथ रीलोडिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। दावा किया जा रहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों का पूरा फोकस इस समय एमका फाइटर जेट को तैयार करने पर है, क्योंकि भारत फाइटर जेट निर्माण में अमेरिका, फ्रांस और चीन से अभी पीछे है। लेकिन भविष्य में भारत इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहता, और यही कारण है कि भारत ने एमके के साथ साथ फूफा फाइटर जेट पर भी काम करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत द्वारा अपने फूफा फाइटर जेट में और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।